हाँ जी भाई, तो खवातीन और उनके हजरात फूड ब्यूटी पार्लर की तरफ से आप लोगों को सलाम। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं आई हुई हूँ बॉक्सर बेडर पे। ये जो साइन था मुझे भाई मोमेंट दिखाने के कहा था, तो इसलिए मैंने दिखा दिया। तो बॉक्सर बर्गर के जो काफ़ी रिव्यूज थे वो अच्छे थे। मैंने एक्चुअली मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कोई भी ऐसी ऐसी जगह नहीं जाती हूँ। यहाँ के काफ़ी रिव्यूज अच्छे थे और मतलब यहाँ की रील्स वगैरह भी बहुत अच्छी है और ये जगह बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी कलरफुल प्लेस है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे आगे एक ब्लॉग बनाया जाए। अभी तो फिलहाल मैंने इनकी डील में दो जैक बर्गर्स ऑर्डर किए हैं और वो आते हैं तो मैं आपको उनका टेस्ट बताऊँगी कैसा है। तो फिलहाल तो अभी यहाँ का आपको सीन चेक कराती हूँ। तो इसमें दो जैप बर्गर्स हैं, नॉकआउट डील है, और ये जो तीन ये जो दो डील्स हैं ये फैमिली डील्स हैं, ये भी फैमिली डील है। 450 की डील, ये वाली डील मैंने मंगवाई थी, इसमें दो जैप बर्गर्स थे और एक लावा फ्राइज थी। ये सेकंड डील है जिसमें टू पीस चिकन फ्राइड है और एक लावा फ्राइज है जो मैंने अभी मंगवाए हैं। लावा फ्राइज बहुत मजे के, आप लोग चाहें तो आप लोग मंगवा सकते हैं। फिर यहाँ पे है ये है कि इनका जैप बर्गर 220 का होता है, स्पाइसी चिकन बर्गर जो है वो का होता है 150 का, और वॉलकैनो बर्गर जो होता है वो 250 का होता है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी जगह है, आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करें। हाँ जी भाई, तो ये थी मेरी डील वन, ये थी 450 की डील, इसमें थे दो जैप बर्गर्स और एक इनके अलावा फ्राइज थे। तो ये रहा कोई जैप बर्गर का सीन, ये इनके ऐसे पैक करके इन्होंने दिया था अपना जैप बर्गर। इसके अंदर सैलड है और ये सिंगल पैटी है। काफ़ी सीन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सॉसेज के हैं, काफ़ी डिफरेंट सॉसेज हैं इसमें। अब मैं आपको इसका खा के सीन बताती हूँ कि ये है कैसा, दिखने में तो काफ़ी मज़े का लग रहा है, अब इसे खा के बताते हैं कैसा है। भाई तो ये रहा इनका जैप बर्गर, अब इसे खा के दिखाते हैं कि ये है कैसा। ये रहा कुछ बहुत ही क्रिस्पी सा और क्रंची सा इसका सीन है। आप लोग के मुँह में पानी आ रहा है, अगर मुँह में पानी आ रहा है तो अब यहाँ पे आके आप लोग खा सकते हैं। बॉक्सर वगैरह लोकेटेड है, गुलशन इकबाल भी बॉक्सर बर्गर लोकेटेड है। अगर आप लोग को पानी आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं। ये बर्गर बहुत दिखने से तो बहुत मजे का लग रहा है, आप खा के बताते हैं कि ये सच में है क्या। बहुत मजेदार, बहुत ही क्रिस्पी थी इसकी ये चीज़ें भी, तो बहुत मज़े का बन, बहुत अच्छा है, मज़े का है, क्रिस्पी सा इसका चिकन का पीस है। ऑनेस्टली बहुत मज़े का बर्गर है,
लिटरली खा के दिल खुश हो गया मेरा, बहुत मजे का, बहुत बहुत बहुत, मैं कहती हूँ फुल लैंड हो गया, बहुत मजे का। चले जी, अब है इनके अलावा फ्राइज, ये खा के देखते हैं कि ये कैसे। हाँ जी भाई, ये रहे लावा फ्राइज़, के ऊपर चीज़ है, ये शिमला मिर्च है और फुल चीज़ इसके ऊपर लोडेड किस्म की है। अब जो है खा के देखते हैं इसे, ये देखें इस तरह का है कुछ, दिखने से काफ़ी मज़े का लग रहा है। इसके ऊपर फुल चीज़ और जो चीज़ है ना, मुझे इसको देख के ना कुछ कुछ हो रहा है, मैं इसी को लेके खाऊंगी। हाँ जी भाई, तो ये रहे इनके लावा फ्राइज़, काफ़ी मज़े के लग रहे हैं, फुल इसमें सॉसेज वगैरह इसके डले हुए हैं, चिकन काफ़ी अच्छे हैं और चीज़ है, तो मतलब मज़े के। मशरूम्स वगैरह हैं, बहुत मज़े का है ये फ्राइज जो मैंने मंगवाए थे, ये लावा फ्राइज जो कहीं डील में थे, डील में क्या क्या एडिक्ट था, डील में दो जैक बर्गर्स थे, एक लावा फ्राइज था, ये कुल मिला के जो डील थी 450 की थी। अगर आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा है, आ रहा होगा, तो अगर मुँह में पानी आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे गुलशन इकबाल पे लोकेटेड है, आप लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं। नहीं मतलब ये जो ये बर्गर है ना, इसका जो मतलब टेस्ट है, जैक बर्गर की मैं इनकी फैन हो गई हूँ लिटरली, ये बहुत 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 मज़े का। एक प्राइस भी कोई इतनी हाई फाई नहीं है, रिजनेबल प्राइस है, नॉट सो एक्सपेंसिव, बिल्कुल ठीक है लिहाज, लेकिन ये जो बर्गर है ना, इसमें मेरा दिल है। मज़ेदार, तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपको पता ही करना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और आप लोग भी आए यहाँ पे बॉक्सर बर्गर, आए अपने रिव्यूज़ दें, शेयर करें मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अगर आप लोग मुझे, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ब्लॉग पर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मुझे अभी दुआ में याद रखिएगा।